हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर रील किस तरह से अपलोड की जाती है, किस तरह से हमें उसमें हैशटैग लगाना है, किस तरह से उस पर डिस्क्रिप्शन लिख किस तरह से उसमें ऑलमोस्ट सारी सेटिंग ऑन ऑफ करनी है, सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। उनके बाद मैं आपको कोने में अपना प्रोफाइल लोगो बना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ऊपर प्लस का आइकॉन, मैंने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, रील्स, पोस्ट, स्टोरी, हाईलाइट, स्टोरी लाइव, ऐसे सभी पोस्ट स्टोरी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे ऊपर में रील का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उनके बाद में यहाँ पर हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी, जिस जो भी आपके पास वीडियो है रील्स है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से वीडियोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से हमने सेलेक्ट किया और इसमें हमें एक ट्रेंडिंग ऑडियो लगाना है, जो यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे कि हम इसकी स्पीड कम कर देते हैं ताकि ये इसका आवाज़ सुनाई नहीं दे। तो यहाँ से एक हमें ट्रेंडिंग ऑडियो लेना है, जो कि आपको अपने कैसे मिलता है वो आपको अपने रील्स के अंदर स्क्रॉल करते हुए हमें एक निशान दिखता है। जैसे यहाँ पर तीर का निशान दिख रहा है जिस भी ऑडियो में, वो एक ट्रेंडिंग ऑडियो है, वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। नीचे में एक और भी है, जैसे यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करके और देख लेता। तो इसने हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ट्रेंडिंग ऑडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक भी वापस आपको प्ले करके यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मर है जो ऑडियो, ये ट्रेंडिंग में ऑडियो जहाँ पर निशान बना हुआ है। तो और हम डन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि हम मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद में हमें इसको इसकी आवाज़ को म्यूट कर देना है। जैसे कि ऑडियो सेलेक्ट किया उसकी आवाज़ को हमें म्यूट करना है। यहाँ से हम इसको आवाज़ को म्यूट कर देते हैं और नीचे वाली आवाज़ को बढ़ा देते। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हो गया। और उसके बाद में हमें एक फ़िल्टर लगा लेना है। यहाँ से कोई भी एक फ़िल्टर यूज़ कर लेना है इंस्टाग्राम का, जो 4K या 8K या थोड़ा हल्का सा ऐसे HD क्वालिटी का फ़िल्टर हमें सेलेक्ट कर लेना है। मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इसके बारे में कुछ लिखना है वीडियो के अंदर, वीडियो के बारे में ऊपर में दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम का नाम ही यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि इस प्रकार से अभी अपने इंस्टाग्राम का नाम वगैरह लिखना चाहते हैं ये से लिख सकते हैं, या और कुछ भी वीडियो के बारे में कुछ ऊपर में लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं मेरे इंस्टाग्राम का नाम लिख देता हूँ। उनके बाद में नाम लिखने के बाद में हमें इसको एडिट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एडिट कर देता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें कोने में इसको लगा दिया नाम में। और उनके बाद में एक और नाम, दो नाम लिख देते, इसको हमें डिलीट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। इस प्रकार से ये डिलीट हो जाता है। वहाँ से प्रेस करके यहाँ से नीचे डिलीट वाला बॉक्स दिखाई देता है, उसके अंदर डाल देना। बस SN को भी हमें डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसको दबा के रखा। उनके बाद में यहाँ से मैं नीचे में इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया। और अब हमें आगे की ओर बढ़ना है, नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उनके बाद में इंटरफेस को इस तरह से आ जाएगा। अब जो भी आप अपने रील के बारे में लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देना है। छोटा सा कुछ ना कुछ तो लिखना ही है रील के बारे में, ताकि हमारी रील ट्रेंडिंग में जा सके। तो हमने यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन लिख देना है। जैसे यहाँ से मैं कुछ लिख रहा हूँ, इस प्रकार से हमें लिख देना है। तो यहाँ पर कुछ भी लिख देना, छोटा सा एक दो लाइन, ताकि हमारी वीडियो ये रील्स अगर ऑडियंस देखने पड़े और इसको देखे आ ज़्यादा से ज़्यादा। और उनके बाद में हमें डॉट डॉट यहाँ पर लगा देने, 3-4। और उनके बाद में हमें हैशटैग लगाना है। यहाँ से हैशटैग लगा देने, कम से कम 10 हैशटैग या 4-5 हैशटैग तो हमें लगानी है। तो मैं यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं हैशटैग लगा रहा हूँ। जैसे इस प्रकार से आपको हैशटैग लगा देने, यहाँ पर हैश लगा दें ऊपर में
कोई भी ट्रेंडिंग हैशटैग है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 हैशटैग लगा दिए। उनके बाद में हमें कुछ पोल वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हम इसमें पोल भर देते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख देना है इसी वीडियो के बारे में और यस और नो पर क्लिक करवा देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे हमने गुड लिख दिया और यहाँ पर नीचे में यस और नो, यहाँ पर हमने लिख देना है यस और नीचे में नो लिख दिया और राइट पे हमें क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमने राइट पे क्लिक कर दिया और नीचे में स्क्रॉल किया। अब हमें इसको रेल को कम से कम 10-15 दिन को टैग कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं टैग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उसको टैग कर देना है। कम से कम 10-15 आदमी को हमें टैग तो करना। यहाँ से मैं टैग कर रहा हूँ कुछ फ्रेंड्स को, जैसे कि यहाँ पर आप ही कर सकते हो, आपके जो भी फ्रेंड हो यहाँ पर सर्च करके यहाँ से उसको टैग कर देना है। यहाँ से मैं टैग कर रहा हूँ। टैग करने के बाद में हमें यहाँ से ऐसे जैसे कि इस प्रकार से हमें सर्च करना पड़ेगा। नीचे में जो भी फ्रेंड वो फ्रेंड का नाम सर्च करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमें उसको टैग कर देना है। जैसे यहाँ से मैं टैग कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो आपको भी ऐसे टैग कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा फटाफट टैग कर देता हूँ, तो अभी तक 3-4 हो गए। अब हमें यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, जो हम किस जगह पर हमारी रील कैसे रील बन रही है। यहाँ से कोई भी लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं पिंक सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी लोकेशन लगा दे देना, दिल्ली का, जयपुर का या और यहाँ पर किसी जगह का भी लोकेशन हम लगा सकते हैं। उनके बाद में नीचे में जो ये ट्रेन है इसको ऑल कर देना, यहाँ पर राइट पर हमें क्लिक कर देना। उनके बाद में यहाँ पर हमें व्यू पर देखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो इस पर हमें क्लिक किया। यहाँ पर हमें फ्रेंड एवरी फ्रेंड्स पे हमें क्लिक करके रखना है, क्योंकि हमें फ्रेंड्स पे हमें क्लिक करके रखेंगे तो सिर्फ हमारे जो भी फ्रेंड है वही हमें देख सकेंगे, जिसने हमें स्टार उसमें रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए एवरी पे हमें क्लिक करके रखना है। हमें एवरी पे क्लिक करके रखना है, क्लोज फ्रेंड पे क्लिक करके नहीं रखना है। उनके बाद में नीचे में आ जाना है। अब हमें मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको अपलोड ए हाई क्वालिटी इस पर आपको ऑन करके रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने जो भी हमें रील अपलोड करेंगे वो हाई क्वालिटी में अपलोड होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं ऑन करके रखा हूँ। नीचे में आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको अपने लाइक हाईलाइट करना है, तो नीचे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस रील के लाइक को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको ओके कर दिया। यहाँ पर आप जो भी ऐसे और यहाँ पर इस रील को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो इस ऑप्शन को हमें ऑन करके रखना है। ऑल पॉपुलर टू डाउनलोड योर रील्स, कोई भी हमारी रील को डाउनलोड करेगा और अपने पेज पे लगाएगा तो हमारी रील और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाएगी। अब हमें ऊपर में स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ से मैं एक कवर को बना के रखना है, जो भी हमें यूट्यूब में जैसे थंबनेल लगा है इसमें भी एक थंबनेल बना के रखना है। एडिट कवर पर हमें क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से हमारी गैलरी जो भी हमने कवर बनाया है वो कवर यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं ये कवर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उनके बाद में हमें डन पे क्लिक कर देना है। अब हमारी रील पूरी तरह से तैयार हो गई और हमें शेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर शेयर पे क्लिक करते ही हमारी रील अपलोड होने लगी है, जैसे यहाँ से अपलोड हो रही है। तो इसी प्रकार से हमारी रील अपलोड हो गई। तो इस प्रकार से हम रील अपलोड कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम होता है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और शाम का टाइम होता है शाम 5 बजे से रात की 8 बजे तक। इस टाइम आप रील अपलोड करते हैं तो हमारी रील ट्रेंडिंग में जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।